Dr. Nasir is here. All of you are fine, fit? Okay. So, आज के लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द सेम स्टफ, वही हम बात करेंगे जो हम पिछले इस महीने की बोलचाल के हवाले से हमारा दूसरा लेक्चर है। और शुरू के लेक्चर में हम बड़ी ही बुनियादी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी बुनियादी चीज़ों को टच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेस बन गई तो ऑफर जरूर थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। आज हम बात करेंगे, वही छोटे छोटे कुछ जुमले हम देंगे जो कि रूटीन लाइफ में हम बोलते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती हाउ टू। फर्ज किया मैं कहता हूँ, आप कोशिश तो करें, आप कोशिश तो करें, ओके, या इस काम के ऊपर नहीं कोशिश करें तो लोग कहते हैं इसको कैसे कहें। या इसके लिए इस बात को थोड़ी सी अगर बेहतर इंग्लिश में अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि गिव इट अ गो, ठीक है, गिव इट अ गो, इट मीन्स आप इस चीज को ट्राई तो करें। रूटीन नंबर जस्ट ट्राई तो गिव इट अ गो, इट मीन्स एक दफा करके देखे तो सही, ओके, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और रूटीन में फर्ज के मैं कहता हूं इस काम को करें एक ही दफा में, राइट, मैं कहता हूं ये चीज करें एक ही बार में, एक ही बार में या एक ही दफा में। फर्ज के मैं कहता हूं दो काम करें एक ही दफा में, तो ये लोग कहते हैं दफा में टाइम क्या, सिंपल से जरा इसको थोड़ा सा बदल दें, इसको कहेंगे फर्स्ट के मैं कहता हूँ डू करें दिस थिंग, जो भी चीज है इस काम को, ये तो लफ्जी तर्जमा हो गई। अब कंफ्यूज यहां पर थोड़ा सा होगा एक ही बात में, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सिंपल सी बात है, इन वन गो, डू दिस थिंग इन वन गो, इसका मतलब एक ही हल्ले में एक ही बार में, ठीक है, ये वही गो है जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट है। डू दिस थिंग इन वन गो, इन वन गो मीन्स एक ही बार, ओके। मैंने बताया कि जैसे रूल्स वोकैब ग्रामर की सेंस दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, अच्छी बात है, लेकिन एक आम बंदे को उन चीजों की जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं यार मैंने फर्ज किया चाइना जा रहा हूँ तो मैंने वहाँ चाय मांगनी है, पानी मांगना है, तो मुझे वहाँ भी स्कॉलर थोड़ा बनना है, तो इसलिए यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द वेरी बेसिक्स, कम अज़ कम इनको तो आप काबू कर रहे हैं ना। फर्ज किया कोई बंदा आपकी बात कर रहे हैं, वो बंदा बाद में बीच में बार बार बोल रहा है, तो आप उसे कहना चाहते हैं मेहरबानी करके चुप रहें या बात मत करते या मत बोले, ठीक है, तो बात तो एक ही, सबका मीनिंग तो एक ही बन रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, अक्सर प्लीज डोंट टॉक, तो ये जरा थोड़ा सख्त होगा। तो यू वॉन्ट टू से आप कहना ही चाहिए बीच में मत पढ़ो या बीच में, तो कहने को तो हम कई अंदाज से ये बात कह सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है डोंट, जैसे आप गेस कर सकते हो उसका मतलब है मत, ये चीज मत करो, ओके, डोंट, और चिप इन आजकल काफी चलता है, इससे मुराद ली जाती है किसी चीज के बीच में पढ़ना, बीच में बोलना, तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं, प्लीज डोंट चिप इन, क्योंकि यार बीच में मत बोल, प्लीज डोंट चिप इन। लेकिन होता क्या कि बाद आपने यही बात कहनी है, बस मैं कहता हूँ यार मैं बीच में बोलने की माफी चाहता हूँ, राइट, मैं बीच में बोलने की माफी चाहता हूँ, या मैं फर्ज कहते यार मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम कहते हैं ना मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अक्सर हम कहते हैं। अब इसका अगर आप लफ्जी तर्जमा करें तो कोई अजीब सा बनता है, ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आई एम कटिंग योर टॉक, राइट, ऑब्वियसली इसकी सेंस ये है कि मैं बीच में बोल रहा हूँ या मैं फर्ज किया माफी चाहता हूँ कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है, सिंपल सी ग्रामर है,
अगर अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो हम कहते हैं सॉरी, ये अखलाकन हम जैसे कहते हैं सॉरी। किस चीज के लिए सॉरी? बीच में बोलने के लिए या बात काटने के लिए। इसी बात को हम थोड़ा सा, अगर हम कहते हैं सॉरी फॉर चिपेन तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी सी हमने सेंस मेंटेन करनी है। हम कहेंगे सॉरी फॉर, या हम उस अमल की बात कर रहे हैं, उस प्रोसेस की, तो चिप वुड बिकम चिपेन। सॉरी फॉर चिपेन एंड। अब देखिए इसको भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर हम इसको कहते सॉरी फॉर चिपेन तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो सॉरी फॉर चिपिंग इन, चिपिंग से मुराद है चिप करने का या बीच में बात करने का प्रोसेस। गॉट सम आइडिया? ओके, इस तरह फर्ज कर मैं कहता हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम अक्सर कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आप उसका लफ्जी तर्जमा करें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? हजारों अंदाज से हम बात कह सकते हैं, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं डोंट जी वरी। डोंट वरी मीन्स परेशान मत हो, ओके। या कभी हम कहते हैं इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी यार यू कैन से डोंट मीन्स मत मत एंड बॉदर। बॉदर आपने सुना ही होगा। बॉदर का मतलब किसी को सताना, परेशान करना। तो हम कहते हैं डोंट बॉदर, तुमने इस चीज की परवाह मत करो, इस चीज की फिक्र मत करो, ठीक है। फर्ज क्या मैं कहता हूँ, इस मामले के बारे की फिक्र मत करो। फर्ज क्या मैं कहता हूँ, आप इस बात की परवाह मत करें, आप इस बात की फिक्र मत करें, परवाह मत करें। तो आप देखिए इसकी वर्ड कैन बी, इसकी सिंपल इंग्लिश क्या होगी अगर हम इस ट्रायल से चलें? हम क्या कहेंगे, डोंट मत बॉदर, परेशान होना या फिक्र करना। अब इसमें होता यह कि इट्स नॉट अ मस्ट कि हम हर चीज को पूरा ही कहें। जैसे रूटीन में बात करें, हम आधी बात कहते हैं और पूरी से ज्यादा हम हो जाती है। इफ यू जस्ट से डोंट बॉदर अबाउट, अब इसके आगे अबाउट मीन्स इस चीज के बारे में, इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड, ये बात क्लियर है कि इस मामले की फिक्र मत करो, इस चीज वो तो हम बात कर ही रहे हैं ना, जिनसे डोंट बॉदर अबाउट। तो अबाउट मीन अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस इश्यू, ओके। फर्स्ट क्या मैं कहता हूं, क्या इससे फर्क पड़ता है? आप किसी को कहते हैं जो आप बात कह रहे हैं कि फलां चीज होगी, मास्क पहन लें, फलां पहन लें, क्या इससे फर्क पड़ता है? तो जाहिर है सवालिया जुमला जा रहा है, तो इतना तो आप बेस कर ही सकते हैं। हम इसको डज से स्टार्ट लेंगे। डज इट से मुराद है ये चीज, और मैटर से मुराद है एक चीज का शुमार में आना। डज इट मैटर, डज इट मैटर, कैसे फर्क पड़ता? डज इट मैटर इन रिस्पॉन्स, इसके जवाब में कोई बंदा कहता नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप क्या कहेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी आप बात कह रहे हैं इससे फर्क वैसे भी कहने को नहीं पड़ता, कई अंदाज से हम बात कह सकते हैं, लेकिन हम सब बच्चों की बातें कर रहे हैं। डज इट मैटर इन रिस्पॉन्स टू दैट, उसके जवाब में आप कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कहेंगे? टेंस का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए इट, ठीक है, डज नॉट, शाबाश। मैटर, मैटर से मुराद है एक चीज की अहमियत बनना या शुमार होना। इट डज नॉट मैटर, ये आप जवाब में कह रहे हैं। तो आप इन एक्सप्रेशन को एक हद तक माइंड में रख सकते हैं, अगर ज्यादा डिटेल ना भी पता हो। इट डज नॉट मैटर, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम अक्सर कहते हैं यार इससे बहुत फर्क पड़ता है। कोई बात है फर्क, हम कहते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? इससे बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्या कहेंगे? वो ही सिंपल सेंटेंस चल रहा है। इट थोड़ा सी शक्ल बदल जाएगी, मैटर्स यानी कि जो शुमार होती है, अलॉट मीन्स काफी, इट मैटर्स अलॉट मीन्स अच्छा खासा, राइट? हम कहते हैं इट मैटर्स अलॉट, इसमें ये चीज बड़ी काम करती है, इसकी अहमियत, ओके।
फर्ज के आपने यही कहना है कि यार क्या ये अच्छा लगता है? अक्सर हम कहते हैं कोई चीज में इस तरह की हरकतें कर रहा है, ये कोई अच्छा लगता है, इसकी क्या इंग्लिश होगी, क्या ये अच्छा लगता है, क्या ये अच्छा लगता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? शाबाश, आई एम सेइंग क्या ये अच्छा लगता है। अब देखें, अब कोई कहेगा इज इट गुड, राइट? यहां तो हम ये बात करें कि ये बात अच्छी महसूस होती है, तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? स्टार्ट करेंगे डज से, शाबाश, टेंस के हिसाब से, डज इट साउंड, साउंड से वैसे मुराद आवाज होती है और एक इसका मीनिंग होता है महसूस होना, लगना। हम कहते हैं डज इट साउंड गुड, क्या ये बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, क्या ये अच्छा लगता है, तो हाउ से डज इट साउंड गुड। फर्स्ट के रिस्पॉन्स जवाब में आप कहते हैं यार मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगता, ये चीज अच्छी नहीं लगती, तो क्या कहेंगे? ये अच्छा नहीं लगता। फर्ज की आप फ्ला एज में फ्ला स्टेप लें, ये अच्छा नहीं लगता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप खुद देख लें, एज से स्टार्ट होगा ये, श्यामश, नहीं के लिए डज नॉट या डजंट, ठीक है, डजंट मीन्स डज नॉट, आगे साउंड ओके, महसूस होना, लगना, और आगे सेम वर्ड गुड, मैंने कहा इट डजंट साउंड गुड, यार ये तो अच्छा नहीं लगता, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो आप देख लें वालों का, हालांकि इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, सबको पता है, लेकिन यहाँ ये वर्ब टाइप चीज बन गई, एक्शन शो कर रहा है, डज इट साउंड गुड, क्या ये बात ठीक लगती है? आप कहते नो इट डजंट साउंड गुड, ये बातचीत नहीं लगती। तो इसी तरह के छोटे छोटे एक्सप्रेशन तो हम देख, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ बेस, ताकि फिर इंशाल्लाह आई थिंक वी विल हैव राइट फॉर सम बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।